चाह नाल चलेगी नाल कवाली चलेगी। मौसम जो बहुत ज्यादा सेक्सी हो चुका है, वीकेंड है और वीकेंड पे इस्लामाबाद की वेरी तरीन आवाम जो है यहाँ पर जो है वो आ जाती होती है। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए आज एक अपना नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जीपीओ चौक मरी में और आज हमारा जो है वो दूसरा दिन है यहाँ पे, हवा यहाँ पे जो है वो चलने लगी हुई है। तो हम लोग जो है यहाँ पर एंजॉय करते हैं। ये कैमरा मैन जो है ना ये टीटो पार्टियाँ लगाने लगा हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं और अपना कुछ खाने पीने का कोई इंतजाम करते हैं। अच्छा, तो इस वक्त हम लोग वो पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे ये भाई ने जो है वो चमन आइसक्रीम खानी है। भाई चमन आइसक्रीम आज ओपन है, खानी है कि कोई नहीं खानी चमन आइसक्रीम? फिलहाल अभी मूड नहीं है। कवाली सुनो, आज मूड है कि नहीं? मौसम का चाह नाल चलेगी नाल कवाली चलेगी। अच्छा, और फर्दर ये है कि मौसम इस वक्त बड़ा क्लासिकल मौसम बन चुका हुआ है और बात करें तो यहाँ पे हल्की हल्की सी जो है बूंदाबांदी भी जो है वो हो रही है। लेकिन और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात ये है कि मुझे आगे जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। और लेकिन फैशन करना भी जो है वो कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मार और चक्कर तो ला लिए, तो बाकी ये है कि मैंने ग्लासेस लगाई हुई हैं क्योंकि ग्लासेस लगा के आप लोग ईजीली जो है वो व्लॉगिंग कर सकते हो। बिकॉज आपको होता है कि आप लोगों की जो है वो ना आइज कॉन्टेक्ट आप लोगों के साथ जो है वो नहीं हो रहा था। सो यू आर वेरी कम्फर्टेबल वाइल व्लॉगिंग। और आज आज फिर की प्लान है, खाना की आज कुछ नया करना है। देसी खाना है कि आज ये फास्ट फूड? फास्ट फूड में से हम लोगों ने दो कैटेगरीज जो है सिलेक्ट की है कि हम लोग जो है यहाँ हम लोग पिज्जा खाएंगे या फिर हम लोग जो है वो बर्गर टाइप चीज खाएंगे। तो अब वो आगे चल के देखते हैं मेन्यूज वगैरह और फिर देखते हैं कि कहाँ पर हमारा जो है वो स्टे होगा। तो सीन कुछ ऐसा है कि मौसम जो है बहुत ज्यादा सेक्सी हो चुका हुआ है, बारिश जो है हो रही है आज से। ये देखें जरा मेरे कपड़े जो गीले होना शुरू हो गए हैं। और सीन कुछ ऐसा है कि अब हम लोग जो है वो कुछ खाने पीने का जो है वो बंदोबस्त करने लगे हैं और लेट्स सी कि अभी हम लोग जो है वो क्या खाते हैं। लेकिन मौसम जो है वो जाते जाते जो है वो मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, इंजॉयबल हो गया है। और आज जो है वो रश भी जो है मार रोड पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे इस्लामाबाद की वेरी तरीन आवाम जो है यहाँ पर जो है वो आ जाती होती है। बाकी ये है कि आज सारे फूड स्टॉल्स पॉइंट जो है यहाँ पर ओपन है और अब हम लोग जो है वो कुछ पेड़ पूजा करते हैं। बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और इस वक्त हम लोगों ने जो है वो एंट्री लगा दी है मिस्टर कोर्ट के अंदर और इनका मेन्यू देखते हैं और फिर हम लोग जो है डिसाइड करते हैं यहाँ से हम लोगों ने खाना है कि नहीं। अच्छा, तो हम लोगों ने एक ये डील लगवाई है और एक ये वाली डील लगवाई है तो रोला पड़ गया है। हम लोग पांच शख्स हैं, ये तीन करवा ली हैं, ये दो कर ली हैं। फिर हमारा डिसाइड ये हुआ है मर्ज कर, ये दोनों को प्लस किया जाएगा और टू पर डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद इक्वल अमाउंट जो है वो पे की जाएगी। 815 मेरे भैया आपके कितने हैं? सिर्फ 900 रुपीज जिसके बने हैं। और मिस्टर कोर्ट पे हम लोग जो है वो आ गए हैं। हम लोगों ने पहले भी इनका टेस्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और व्यू भी इसका बड़ा मज़ेदार है। तो टाइम भी इस वक्त तकरीबन 1:30 का टाइम हो गया है और पिज़्ज़े का फ्लेवर चिकन टिक्का फ्लेवर। और ये भाई जो है वो ऑर्डर देने के लिए जो है वो चला गया और अब हम लोग जो है वो भाई जेड़ा मर्जी होना चाहिए अज प्रोग्राम होना चाहिए। सो फाइनली हमारा मेन्यू जो है वो आ चुका हुआ है और ये देखें जरा आज हमने फुल राज प्रोग्राम करने का जो है वो इरादा कर ली है। और ये पिज़्ज़ाज हैं इसमें और दो चिकन पीसेस हैं और साथ में ये बर्गर्स हैं और साथ में ये जो है बॉटल्स वगैरह हैं। तो इससे पहले कि जो है ना ये टूट पड़े तो ये ठंडा हो जाए हम लोग जो है वो टूट पड़ते हैं और अपना खाना जो है हम लोग शुरू कर देते हैं। तो फाइनली दिस इज अवर लास्ट डे एट मरी। आज फिर हम लोगों ने जो है वो पान खाया और पहले मिस्टर कोर पे हम लोगों ने जो डी लगवाई थी वो हम लोगों ने खाई। की सूरत हाल की रिव्यू ने मिस्टर कोर के बारे कैसा लगे? 60% नॉर्मल तेरा ही हाल है? 60%
हां जी तेरा ही ख्याल है 45% अच्छा की चीज बूस्टी सब तो पिज़्ज़ा सानू ते सबजी वैसे ही सड़या मिल गया पिज़्ज़ा ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 45 ਹਾਂ ਬਾਕੀ 버ਗਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 45 ਹੀ ਨੰਬਰ ਚਿਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 100% ਜਿੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਐਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਮੋਰ ਬਣੇਗਾ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੂਟ ਤੇ ਹਲਪਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੇ ਗਾਣ ਅੱਛਾ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਐਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਥਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਣੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹਾਂ ਦੀਪ ਜੀ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਬ ਹਮ ਲੋਗ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹਨ ਨਿਊਟਰਲਸ ਔਰ ਅਭੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖਿੱਚ ਲੈਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੈਂਟ ਕੇ ਏਰੀਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कैफे डी मरी में और यहाँ पर जो है वो लाइव कवाली चल रही है और अब तकरीबन 3 का टाइम हो गया है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं घर और आप लोग सोच रहे होंगे ये सारा टाइम जो इधर घूमते शूमते ही रहते हैं सुबह के टाइम ये घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो हम लोग मोस्टली क्योंकि साल में एक बार जो है हम लोग मरी आ जाते हैं। हम लोग इतना यहाँ पर घूम चुके हुए हैं कि अब हमारा मार्केट जाने का दिल करते ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने हम लोग इंजॉय वगैरह करते हैं और यही हमारी जो है वो इंटरटेनमेंट होती है। और मोस्टली हमारा यहाँ पर पर्पज़ ये होता है कि हम रात के टाइम में जो बाहर निकलते हैं और सुबह के टाइम हम लोग घर में जो है वो ताश खेलते रहते हैं या हम लोग जो है वो नींद पूरी करते रहते हैं। तो अब 3 का टाइम हो गया है और मोस्टली मार रोड का जो बड़ी घड़ी ये देखें ये बहुत बड़ी घड़ी है और ये सिग्नेचर स्टाइल है मरी का। जब हम छोटे छोटे होते थे तब से ये जो घड़ी है ये यहाँ पर लगी हुई है। और अब हम लोग जो है वो वापसी का सफ़र इख्तियार करते हैं। पीछे मेरे आप देखें ये बिल्कुल सुनसान पड़ा है और बाकी हमारा मरी का सफ़र यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया स्पेशली जब आप फैमिली के साथ आए होते हैं तो आप लोगों का डिफरेंट लेवल ऑफ फ़न होता है। आप लोग अपने एक कम्फर्ट जोन फैमिली वाला जो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप मार्केट्स वगैरह में जाएँ। जिस तरह ये मेरे पीछे आप लोगों को मार्केट्स नज़र आ रही हैं हम लोग यहाँ पे कम ही गए हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि साल में एक दो बार हम लोग जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं तो अब हर साल यहाँ से चीज़ लेके जाने से रहे। तो अब फाइनली अपने ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त अपना देश सारे ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बाद रब रखा।